नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सलमान, आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेंडिंग वर्ल्ड में। तो सिद्धार्थ शहनाज का शो क्यों नहीं देखते, एक बड़ा सवाल उठ रहा है। सिद्धार्थ ने हालांकि ये कहा कि मुझे जो है वो टाइम नहीं मिलता, मैं इसलिए शहनाज का शो नहीं देखता। अब भाई इनके जो लफ्ज़ हैं वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं, जो इनकी आँखें हैं, जो इनकी थिंकिंग है वो कुछ और ही बयां हमें करती हुई नज़र आ रही है। तो ये क्या आपको ठीक लगता है, क्या सिद्धार्थ ने ये सब सच कहा है कि मैं शहनाज का शो इसलिए नहीं देखता क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता, और वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि बिग बॉस का मैंने अभी तक एक भी एपिसोड नहीं देखा। तो क्या ऐसा वाकई में हो सकता है, या फिर भाई इसकी कुछ और वजह ही सामने आ रही है। तो कुछ और वजह क्या है कि जैसे कि आपको मैं बता दूं, कोई इंसान किसी से प्यार करता है, ठीक है, वहाँ पे शहनाज जो हैं शहनाज को लड़के इम्प्रेस कर रहे हैं। तो अब अपने जिससे हम प्यार करते हैं, कोई एग्जांपल कोई लड़की है या लड़का है, हम उससे प्यार करते हैं, और अगर उसको कोई और सामने वाला प्रपोज करे, क्या वो हमारे को ठीक लगेगा, देखना ऐसा, क्या वो हमारे लिए ठीक है। तो ये अपने आप के अंदर एक जलन सी जो महसूस होती है ना ये लव करने वाले को, तो ये इंसान वही जानता है। हालांकि यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो बात को घुमाते हुए नज़र आ रहे हैं, और साथ में बिग बॉस की भी बात को यहाँ रखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैंने बिग बॉस का शो भी अभी तक नहीं देखा, जिससे कि पब्लिक को ऐसा लगे कि भाई हाँ मेरे पास वाकई में ही टाइम नहीं है। तो हालांकि अभी ये चीज़ भी कंफर्म नहीं है, मगर एक आइडिया लगाया जाए तो सिद्धार्थ के दिल में क्या वाकई में जलन है, तो इसके बारे में आपका क्या है कहना, तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल अब तक की बड़ी बात यही है कि सिद्धार्थ जो है वो शहनाज का शो नहीं देखते हैं। इसका रीज़न जो मैंने आपको बताया कि क्या सिद्धार्थ के दिल में वाकई में जलन सी महसूस हो रही है, क्या उनके दिल के अंदर जलन महसूस जो है वो कर रहे हैं वो रियल है, या फिर उनको वाकई में ही टाइम नहीं है, तो इसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक नहीं करी जल्दी से वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अपडेट्स हम आपको इनकी रेगुलर करते रहेंगे। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।